हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान किचन में। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको आज बची हुई रोटियों से सैंडविच बनाना बताऊंगी, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मेरी रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक टमाटर लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और हरा धनिया और हरी मिर्च लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और ये दो उबले हुए आलू लिए हैं। अब इनको हम मैश कर लेंगे। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे हमारे। पहले मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी इसमें, और नमक डालेंगे, और चाट मसाला डालेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब इसमें जो हमने टमाटर काट लिए थे वो डाल देंगे, और हरी मिर्च डाल देंगे, और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिला लेंगे, सारी चीज़ें मिक्स हो जाए अच्छे से आलू के अंदर। ये हमने सारी चीज़ों को आलू में मिक्स कर लिया है अच्छे से। ये मैंने एक प्याज ली है जिसको मैंने लंबा और बारीक काट लिया है। अब इसमें मैं नमक डालूंगी। नमक मैं थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मैंने आलू में भी डाला है। और मिर्च डालेंगे इसमें, और धनिया डाल देंगे, और इसको मिला लेंगे हम प्याज के अंदर अच्छे से। ये मैंने चार रोटियां ले ली है। ये मैंने एक रोटी ली है, और इस पे हम पहले सॉस लगाएंगे। अच्छे से पूरी रोटी पे फैला देंगे सॉस को। अब इस पे हम आलू का हमारा जो मसाला हमने तैयार किया था वो लगाएंगे। ये लगा देंगे हम इस तरह से। अब इस पे जो हमने प्याज तैयार की थी वो लगा देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। हमारी जो रोटियां हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी हमें। और इसको हम एक तरफ से बंद करेंगे। ये एक रोटी भी मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा के बना रही हूँ। आपके पास अगर हो तो आप ये ऐसे ही बना सकते हैं। ये मैंने घर पे ही बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमने अच्छे से फैला दिया है सॉस को। अब हमारा आलू का मसाला है वो लगा देंगे जैसे हमने पहले लगाया था। ये प्याज लगा दी है, और इसको वैसे ही हम रोल कर देंगे, और ऐसे ही हम सारी रोटियों को तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सारी रोटियों को तैयार कर लिया है। अब इनको हम सेकेंगे। ये मैंने पैन के अंदर घी डाल दिया है। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम हमारे जो हमने रैप तैयार किए हैं उनको रख देंगे। अब इसको हम सिकने देंगे अच्छे से, एकदम क्रिस्पी होने तक। अब इसको हम पलट लेते हैं, देख लेते हैं सिका या नहीं। ये देखिए कितना एकदम सिक चुका है अच्छे से, ब्राउन कलर आ गया है, क्रिस्पी भी हो चुका है ये। अब एक तरफ से हम और सेक लेते हैं इसको। अब इसको हम एक बार और पलट लेते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक चुका है, और ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारी रोटियों को तैयार कर लेंगे। अब इसको हम बीच में से कट करेंगे। तो सारे हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे हमारे। मेरे सारे सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे। तो प्लीज आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी आपको। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय दोस्तों।